जांजगीर के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित। जांजगीर के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश सोनी, जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीतेश कौशिक मौजूद थे। यहां छात्राओं ने मतदाता जागरूकता के लिए आकर्षक रंगोली बनाई थी, जिसे अतिथियों ने अवलोकन किया और रंगोलियों की सराहना की। इस दौरान 10 नए मतदाता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं और लोगों को मतदाता को लेकर जागरूक किया गया और मतदान अवश्य करने का संदेश दिया गया। एक सा विषय है कि हमारा पहला वोट जब हम डाल रहे हैं और कलेक्टर महोदय हमारे महाविद्यालय में आए हुए हैं, तो उत्साहवर्धन तो सभी छात्राओं का देखने में बनता है। और एक है कि जब भी हम वोट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती है, कई वादे आते हैं और हम उन पे आ जाते हैं। तो अपना स्वविवेक को रखते हुए अपना ध्येय कि अपने देश को ऊपर रखें और उस पर वोट करें और देश को आगे कैसे विकासशील राह पर ले जा सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखें। क्योंकि हम आने वाले समय में हमारा भविष्य उन पे निर्भर करेगा, तो हम किनके हाथों में अपना भविष्य देते हैं वो उन पे ही निर्भर करेगा और हमारे वोट पे वो निर्भर करेगा। जी मैं षष्ठी वैष्णव बीएससी फाइनल ईयर। जी मैं पूर्व से ही इस प्रक्रिया में भागीदारी का निर्वहन किया हूँ और करता रहूँगा। मुझे बहुत खुशी है आज के दिन मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मैं मतदाताओं, युवक युवतियों एवं दिव्यांग सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वे चुनाव के दिन जाकर अपना मत का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को सफल बनाए। ठीक है, मैंने अभी जैसे कि भाषण में बताया आपने कि वो भी वोटर को अपना जो मत देने का अधिकार है, और इस मत देने के अधिकार में सबसे जो सार बात छिपी है कि हमको चुनने का जो अधिकार दिया गया है। हमें अपने जीवन में केवल किसी नेता को चुनने का अवसर नहीं आता, बल्कि अपने जीवन में कई चीज़ों को हम चुनते हैं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में। इसी तरह चुनने का जो अधिकार दिया गया है, इस अधिकार का हमको बहुत ही स्वतंत्र रूप से पालन करना चाहिए। यदि हम इस अधिकार का उपयोग अच्छे ढंग से करेंगे, बिना किसी प्रलोभन के करेंगे, तो हम अपने ऊपर एक ऐसे सरकार को हम लाएंगे जो निश्चित तौर पर जो हमारा भला करेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो सरकार हम पर शासन करती है वह किस तरह के नियम बनाती है। यदि ऐसी सरकार में यदि योग्य व्यक्ति आएंगे, तो हमारे जो जनता है उस जनता के लिए जो नियम बनेंगे, जो कानून बनेंगे, वो भी लोक कल्याणकारी के आधार पर बनेंगे। और ऐसे नियम बनने से, ऐसे कानून बनने से हम जनता को भी बहुत फायदा होगा। इसलिए मेरा सबसे आज इस अवसर पर निवेदन है कि अपने जो मत का अधिकार है, जो चुनने का अधिकार है, इसका बिना किसी प्रलोभन के इसको उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।